अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पेंटिंग की चीज़ों की शॉपिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने उर्दू बाज़ार से की। सबसे पहले मैंने जैसो का प्राइमर लिया था। ये 250 ml की बोतल थी जिसकी प्राइस थी 350। इससे बड़ी भी अवेलेबल नहीं थी उनके पास, लेकिन उसकी प्राइस थी 500। वो ज़्यादा बेटर है, वो अवेलेबल नहीं थी इस वजह से मैंने वो वाली नहीं ली। इसको हम एज अ बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्रेलिक कलर का एक अच्छा और ओरिजिनल कलर लाने के लिए ली। इसके बाद मैंने स्केचिंग बुक ली थी जिसकी लेंथ आप देख लें कि 35 cm है और लार्ज साइज़ है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी प्राइस है 250 rupees। इसके बाद मैंने कैनवस लिए थे, बंडल लिया था लेकिन काफ़ी मैंने यूज़ कर लिए थे। इसके बाद ही मैंने लिया था 6x6 का कैनवस जो कि मुझे 40 to 45 rupees का पड़ा था, और जो इससे छोटा वाला था 4x4 का वो मुझे 25 rupees का, क्योंकि मैंने बंडल लिया था इस वजह से मुझे ज़रा सस्ता पड़ गया था। फिर मैंने स्केचिंग पेंसिल्स ली थी, इससे लो क्वालिटी की जो थी वो थी 150 की और ये इससे बेटर क्वालिटी की थी और इसकी कंपनी का नाम भी क्वालिटी ही है और इसका ये मुझे अच्छी लगी थी इस वजह से मैंने ये वाली ले ली जिसकी प्राइस थी 350। और फिर मैंने पेंटिंग ब्रशेस लिए थे जो कि ये मुझे पैकेट मिला था जिसमें 15 थे, ये थे 550 rupees के और ये अलग मैंने लिए थे, इससे बहुत बारीक काम होता है और ये 50 rupees का, और एक इससे भी बारीक काम होता है वाइट कलर का ब्रश, वो मैंने लिया था 100 rupees का क्योंकि इससे काफ़ी बारीक काम होता है तो इस वजह से ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद मैंने वार्निश लिया था जो कि पेंटिंग करने के बाद एंड पर हम यूज़ करते हैं एज अ शाइनर के तौर पर, और ये मुझे 380 rupees का पड़ा था और इसकी मतलब कि एक बार ही में लेने में ना काफ़ी टाइम ना गुजर जाता है इससे, और ये थोड़ा लीक था इस वजह से मेरा थोड़ा सा ना वो गिर गया था। बाकी इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और एंड पे मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए थे, 75 ml की ये बोतल है मैरीज़ कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, उनके कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं और इसकी प्राइस थी 200 rupees जो कि उर्दू बाज़ार से मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। ये मैंने 5 basic कलर ले लिए थे और क्योंकि इन्हीं से ही बाकी कलर्स बन सकते हैं तो मैंने इस वजह से ये बड़े साइज़ ले लिए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।